यार अब पूरे हफ्ते बर्तन टूटते फिरेंगे। राई क्या टूटा? अरे कुछ नहीं मैडम जी। तेरी की राई तो नहीं है, क्या कर दिया? राई जी। मैडम जी ये चाय का कप ले जा बहन। आई मैडम जी। अरे ट्रे लेकर आना। अच्छा हाँ जी मैडम जी, पता है ट्रे लेकर आनी है। संभाल के, टूटना नहीं चाहिए। पता है ना किसका कप है? सास का कप है। इसमें रोज चाय पीनी है, रोज मंजना है, पर ये टूटना नहीं चाहिए। टूट गया तो जान की अमान नहीं। मैडम जी सास का कप है, सोने का नहीं। कभी ना कभी तो बेचारा मरेगा ना। खबरदार, टूटना नहीं चाहिए। ये कप नहीं है, आशीर्वाद है उनका, समझी? सासू माँ ने ये कप ही दिया और कुछ नहीं। अपना बेटा दिया है ना, उनको लेकर तो इतना नहीं घबराती जितना इस कप को लेकर घबराती हूँ। बकवास बंद कर और इसका ध्यान रखना, टूटना नहीं चाहिए। मैडम जी वैसे तो मैं अभी तक इसका ख्याल रखती आई हूँ, आगे भी रखूँगी, पर अमर तो एक अश्वत्थामा हुआ है ना। ये मड़ी विहीन कप को कभी ज़िंदगी में कुछ हो गया तो क्या सज़ा होगी मैडम जी? अगर एक खून माफ़ होता तो सज़ा होती मर्डर, लेकिन क्योंकि नहीं है तो अगर ये कप टूट गया तो उसके बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सच्ची मैडम जी? बिल्कुल। अब ध्यान से ले जा। राई कुछ नहीं मैडम जी, ठीक है। अरे राई मर गई तू तो आज, आज से तो तेरा हुक्का पानी बंद। राई जरा चाय पिला दे बहन, बड़ा लोलो सा लग रहा है। मम्मी जी वाले कप में लेके आई वो चाय। अच्छा लाई मैडम जी। मुझे तो लगता है सास कान में फूंक गई कि बेटा तेरा तो कप गया। अरे राई तेरा क्या होगा, ये तो अभी सूखा भी नहीं। और चाय आज तो मैडम जी मार ही देंगी। मैडम जी चाय। थैंक यू। अरे जब तक तेरे हाथ की शाम को चाय ना पी लूँ ना, मेरे को मजा नहीं आता। क्या हो गया, ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है तूने? ये मम्मी जी के कप को क्या हुआ है? मड़ी भी इन कप था मैडम जी, टूट गया। बकवास बंद कर, दफा हो जा यहाँ से। अभी शक्ल मत दिखाइयो मुझे। मैडम जी शाम के खाने के लिए क्या बना लूं? ये क्या नौटंकी है राई,
ये घूंघट क्यों किया हुआ तूने? और मैंने तुझे कहा था ना मुझे नई शक्ल देखनी तेरी। तो ही तो मैडम जी घूंघट किया है जिससे आपको मेरी शक्ल ना दिखाई दे। मेरा मतलब था मुझे तू घर में नहीं दिखनी चाहिए। मैडम जी मुकरो मत, आपने ही तो कहा था कि अपनी शक्ल मत दिखाई, इसीलिए मैंने घूंघट किया है। मैडम जी मुझे लगता है ना आपका प्यार ना अपनी सास के लिए बहुत कच्चा होगा। तू तो बात ही मत कर, पता है हमारे प्यार के किस्से मशहूर थे पूरी रिश्तेदारी में, दोस्तों में, सब उनसे पूछते थे कि ये बेटी है कि बहू, और वो पता है बहुत प्राउड से कहती थी है तो बहू पर बेटी से बढ़कर है, इतना प्यार करती थी वो मुझे। पता है उस कप में उनकी जान बसती थी जो तूने तोड़ दिया। तो दुखी क्यों हो रहे हो? कभी मरा है ना बेचारा, हो सकता है सास की आत्मा यहीं कहीं बैठी हो, आपको गले लगाने के लिए तड़प रही हो सकता है शॉपिंग कराने ले जाए आपको कि चल तेरे को सोने के कप दिला के लाती हूँ जो राई कभी तोड़ ही ना पाए। तू डरा मत राई की बच्ची, तुझे नहीं पता उस कप की वैल्यू। जब वो उसमें चाय पीती थी ना शेरनी लगती थी, शेरनी। मैडम जी कुछ ज्यादा नहीं मेरा, शेरनी और चाय, वाघ बकरी चाय। तू तो ना बकवास ही मत कर, तुझे नहीं पता वो कप क्या था मेरे लिए। जब मैं उस कप में चाय पीती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी भी हालत का सामना कर सकती हूँ, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो मैं झेल लूँगी। फिर मुझे लगता था कि वो कहीं आसपास है मेरे। क्या मैडम जी, सास का कप टूटने से उनका प्यार, उनका आशीर्वाद सब खत्म हो गया। सास का कप नहीं होगा तो उनकी याद नहीं आएगी आपको। अरे बड़े लोगों की यादें ना दिल में होती हैं, उनके किस्सों में होती हैं, दर्द में होती हैं, हंसी में होती हैं। और जहां तक आसपास रहने की बात है तो देखो आपके पास बैठी कैसे सर हिला रही है, कह रही है कि राई जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। मैडम जी राई डरा मत फालतू का। अरे मैडम जी मैं कहाँ डरा रही हूँ, मेरे पास तो किचन में बहुत काम पड़ा है, मैं तो जा रही हूँ। आप बैठो अपनी सास के साथ गप्पे मारो। पागल है क्या तू? चल ठीक है मैंने तेरे को माफ किया, देख एक कप तो तोड़ चुकी है, उसका जोड़ीदार कप नहीं टूटना चाहिए, समझी? सच्ची मैडम जी आपने किया मुझे माफ, मुझे लगता है आंटी जी ने माफ कर दिया। जय आंटी जी, जय आंटी जी, थैंक यू। अरे भैया पहले सासू जी का कप संभाल के रख लूं, बाद में कुछ काम करूं। मैडम जी आपने ये क्या किया, सासू जी का कप नहीं उनका दिल तोड़ दिया आपने। राई तूने तो समझाया था ना बड़ों की यादें तो दिल में होती हैं, और वैसे भी भौतिक वस्तुओं से कैसी मोह माया। चल कोई बात नहीं, सासू माँ के कप की अस्थियां मैं उठा देती हूँ। नहीं मैडम जी मैं उठा लूंगी, वैसे आप सही कह रहे हो भौतिक वस्तुओं से क्या मोह माया। और सासू माँ का कप कोई हमारी राई से बढ़ के दौड़ी है, मुझे ऐसी हेल्प कहाँ मिलेगी। देखो सासू माँ जी आपकी बहू ना कैसे रंग बदल रही है। मैं सबसे पहले तुझे बदलने की सोच रही हूँ। ये तो बावली है, पर आप हमारी फिल्में देखते रहिए, उन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो उन्हें शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि क्या पता कोई मेरे जैसी अपनी सासू माँ का कप लेकर बैठी हो। इंसानों से प्यार कीजिए, चीजों से नहीं। एक्शन। जितने अच्छे बर्तन राई मांजती है ना दुनिया में कोई बन माज के। अरे BTS ले लेता बर्तन माज रही लड़की। अब नेक्स्ट दे रहा है, मुझे लगता है मैडम जी आपका प्यार बहुत कच्चा था अपनी सास के लिए। हाँ। क्या गैस फूंक मार के बुझाएगी? मैडम जी कट कर कट तो कर दो बस ना, इतनी देर करते रहोगे तो बाकी फिल्म कल तक करोगे? बाकी कहीं से जुड़वा लो ना, खत्म करो।